जो है 2013 का सेट नंबर 3 बताते हैं, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखिए पहला सेक्शन ए में आपका है वर्क वेदर आप ब्रेन आर बॉडी, एक्सप्लेन के लिए दिया, ये आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि सेक्रेट ऑफ हेल्थ का एक इस वर्ष फिनिश हो गया है। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा आपका जो दिया गया है एक्सप्लेन करने के लिए इन एंशियंट टाइम्स, ये आपका आया है आवर वोमेन हैड द सेरेमनी ऑफ ओपिनियन, ये वोमेंस एजुकेशन से आया है और इसके राइटर हैं राधा कृष्णन, यस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। अगला है क्वेश्चन जो है देखिए, व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू बी मर्सीफुल टू द मॉस्किटो, तो बिल्कुल आप लिखिए इसके मच्छर के बारे में दयावान होने के बारे में लेखक क्यों निश्चय किया, एजी गार्डनर के का लिखा हुआ पार्ट है ए फेलो ट्रिबल ही, हाउ इज स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप काट दीजिए। तो पहला वाला केवल आपके सिलेबस में है। चलिए देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आया है, 4 नंबर आप पक्का कर लीजिए। महात्मा गांधी वाज लुक डाउन बाय मेनी बोथ इंडियन एंड यूरोपियन एंड इंडियन एज द एपिटोम ऑफ, क्या भरा जाएगा, हिंदू भरा जाएगा, हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू परंपरा के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। देयर आर इंडियंस व्हाट एवर देयर क्रीड हु डू नॉट लुक बैक विथ प्राइड ऑन देयर कल्चर, तो ए फ्यू भरा जाएगा कि फ्यू सम द फ्यू, ठीक है फ्यू भरा जाएगा, देयर आर फ्यू इंडियंस, बहुत कम ही भारतीय ऐसे हैं ना, तो ए फ्यू माने तो कुछ हो जाएगा, क्लियर, फ्यू भरा जाएगा इसमें और कुछ नहीं भरा जाएगा। दूसरा वाला अगला, ही ओनली इज फिटेड टू कमांड एंड कंट्रोल टू हैज सक्सीडेड इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग, इसमें तो हिमसेल्फ भर है लेकिन ये आपका सिलेबस में नहीं है। अगला है आई कंडेम यू टू डेथ जस्टिस डिमांड्स इन एंड द कोर्ट एवार्ड सीट, ठीक है तो अब यहाँ कोर्ट हो जाएगा, भरा जाएगा, वही हो गया, ठीक है कोर्ट भर दो, इस तरह से ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं, चौथा में आपको कुछ नहीं करना है, आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। पांचवा देखते हैं, पांचवे में ज्ञान बाबू की वाइफ जो है पहला वाला, ये आपके सिलेबस में नहीं है, स्पेशल एक्सपीरियंस हट गया। दूसरा, हाउ डू यू नो शंकू लव्ड हिज वाइफ वेरी मच, ये आपके सिलेबस में है, शंकू अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता था, ये आप कैसे जानते हो, ठीक है उसकी ज़रूरतें पूरा करता रहता था, क्या सब क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, लिखवाए गए। अगला है, हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर मैनेज टू स्केप द रिवेंज फॉर हिज मिसडीड्स, ज्योतिषी अपने मिसडीड्स माने बुरे कार्यों से के लिए बदला लेने से बचने की व्यवस्था कैसे किया, मैनेज माने व्यवस्था किया, स्केप माने बचना, रिवेंज बदले से मिसडीड, तो इसमें वही जो क्वेश्चन आपको बताया गया कि वो उसको क्या सलाह दिया, तो वही सलाह दे दिया था कि दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा मत करो नहीं तुम्हारे जीवन को खतरा है, तो ये सलाह दे के वो उसको संतुष्ट करके अपना जो है बचने का व्यवस्था कर लिया, ठीक ना। क्वेश्चन आपको लिखाया गया है, आप नोट्स में से पढ़ लीजिए, वीडियो भी अपलोड है। अगला, डेथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, ठीक है तो ये आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लिया गया है, उसके राइटर हैं यानी कवि जॉन मिल्टन है। दूसरा, द वुंडेड स्नेक इट सूड एंड फॉल सांग ऑफ फ्री बाय स्वामी विवेकानंद, तो चलिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। इसमें तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, इसमें द ब्रिजी काल, ये आपके सिलेबस में नहीं है, एलजी रिटेन ने कंट्री चर्च यार्ड का है, सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सातवां में सेंट्रल आईडी आपको 3 का एक लिखना है, आप जान ही रहे हो, और अलंकार आपको पता ही है। चलिए सेक्शन बी पे आते हैं, ही सेड द मैन कम्स, तो इसको कर दो ही सेड दैट द मैन केम, कर दो दैट करके कम्स का क्या कर दो केम। दूसरा देखते हैं, ही सेड टू अस आर यू गोइंग अवे टूडे, सेड टू का आप कर दो आस्ड कर दो, ही आस्ड अस, उसके बाद इफ कर दो, यू का आई कर दो, आर का वाज, ही आस्ड अस इफ आई वाज गोइंग अवे, ठीक है सॉरी, हाँ अस का कहाँ, अस का आस रिपोर्टिंग स्पीच थोड़ी बदलते हो, हाँ ठीक है सॉरी, तो यू को आप अस के अनुसार बदलो, यू का जो है अस के अनुसार वी हो जाएगा, ठीक है ही आस्ड अस, ठीक है इफ, ठीक है यू का आप अस के अनुसार भी करो, थोड़ा जल्दबाजी में थे तो बता दिए सॉरी, यू का अस के अनुसार भी करो और उसके बाद आर का वर हो जाएगा डब्ल्यू ई आर ई, इफ ठीक है इफ वी वर आस्ड अस, इफ वी वर गोइंग अवे टुडे का कर दो दैट डे, क्या कर दोगे दैट डे, उसके बाद फुल स्टॉप कर दो, ठीक है। तो चलिए अगले देखते हैं, दूसरा,
इसमें सिंपल बनाना पहला वाला, तो ही फ्लेड ही हैड सीन ए बियर कमिंग, वह भाग गया एक भालू को आता हुआ देखा, तो इसमें करना कुछ नहीं है, ऐसे करो सीइंग ए बियर कमिंग ही फ्लेड। दूसरे वाक्य को आप पहले लिखो सीन का, आप सीइंग कर दो, ऐसे कर दो यस डबल ई आई एन जी सीइंग ए बियर कमिंग कामा ही फ्लेड, एक भालू आता हुआ देखकर वह भाग गया, ऐसे होगा सीइंग ए बियर कमिंग, किताब में स्पेलिंग है बियर की, ठीक है आंसर पेपर में यस डबल ई आई जी सीइंग ए बियर से जोड़ दो कमिंग कामा पहला वाक्य, अब ले जाके लास्ट में जोड़ दो, हो गया क्लियर। अगला देखते हैं दैट एनिमल मे बी ए फिश, ठीक है वह जानवर सांप हो सकता है, इट मे बी सर्पेंट या सांप हो सकता है, इट मस्ट बी वन ऑफ देम या उनमें से कोई एक हो सकता है, तो इसमें आपको करना क्या है कंपाउंड सेंटेंस बनाना पड़ा है, तो ठीक है तो आप ऐसे कर दो दैट एनिमल, ठीक है मे बी हटा के कर दो इज, दैट एनिमल इज, उसके बाद कर दो आइदर ई आई टी एच ई आर, दैट एनिमल इज आइदर ए फिश, ऐसे करो आइदर ए फिश, ठीक है उसके बाद इट में भी हटा दो, उस जगह पे लिख दो आर, आर ए सर्पेंट, क्लियर। तो दैट एनिमल मे बी आइदर ए फिश आर ए सर्पेंट, बस इतना लिखना, तीसरा वाक्य आप बिल्कुल काट दो, उसमें से कुछ लेना होना नहीं है, कि वह जानवर या तो सांप हो सकता है या तो मछली हो सकता है या सांप हो सकता है, बस यही होगा क्योंकि आइदर दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो विकल्प के लिए आपको आइदर आर लगा देना फॉर्मेटिव वाक्य, क्लियर। वह कह रहे हैं कि जानवर मछली हो सकता है वह सांप हो सकता है या उनमें से कोई एक हो सकता है, कहने मतलब जोड़ोगे तो वह जानवर या तो मछली हो सकता है या तो सांप हो सकता है, बस क्लियर। दैट एनिमल मे बी, दैट एनिमल इज कर दो बेबी बिटा दो, दैट एनिमल इज आइदर ए फिश आर ए सर्पेंट, क्लियर। चलिए आगे, इस मे भी हटा के इज आराम से लगा सकते हो, आप मे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, मे भी आइदर ए फिश आर ए सर्पेंट वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए आगे, योर बिहेवियर हैज ग्रेटली एस्टॉनिश्ड मी, तो इसका पैसू पास बनाओ, मी का आई करो और हैज का हैव कर दो, आई एक साथ हैव हो जाएगा, आई हैव बीन ग्रेटली कर दो, आई हैव बीन ग्रेटली एस्टॉनिश्ड, ग्रेटली एस्टॉनिश्ड, उसके बाद आइट लगता है, एस्टॉनिश्ड साथ फिक्स प्रीपोजिशन आइट लगता है, एस्टॉनिश्ड सरप्राइज्ड वंडर क्लियर, आश्चर्यचकित होने वाले सभी शब्दों के साथ ऐट लगेगा। आई हैव बीन ग्रेटली एस्टॉनिश्ड एट योर बिहेवियर, ठीक है फिर ऐट के बाद क्या कर दोगे योर बिहेवियर जोड़ दोगे, ठीक। अगला देखो, अगला है आपका राइस इज नॉट मोर न्यूट्रिशियस देन सम अदर ग्रेन्स, तो इसमें कर दो कि राइस इज, हाँ इसको पास टू करना ना, तो ऐसे करो नॉट मोर हटा दो एज कर दो, राइस इज एज, ठीक है न्यूट्रिशियस का न्यूट्रिशियस ही रहने दो, एज न्यूट्रिशियस, फिर उसके बाद दैन हटा दो, ठीक है दैन सम हटा दो, फिर वहाँ भी एज लगा दो, ठीक है एज अदर ग्रेन्स, राइस इज एज न्यूट्रिशियस एज अदर ग्रेन्स, क्योंकि ठीक है एज एज आता है तो नॉट में आप चाहे जो सब्जेक्ट पहले लिख सकते हो, ठीक ना, तो राइस इज एज न्यूट्रिशियस एज अदर ग्रेन्स, मतलब कह रहा है कि चावल उतना ही पौष्टिक है जितना अन्य अनाज, तो अब बनाए कैसे हैं अगर चावल अन्य अनाजों से, अन्य कुछ अनाजों से अधिक पौष्टिक नहीं है, कहने मतलब चावल भी उतना ही है जितना कि अन्य अनाज, राइस इज नॉट मोर हटा के एज करो, फिर दैन सम हटा के एज करो, और कुछ करना नहीं है, क्लियर। चलिए देखिए आप सिंटैक्स देख लीजिए इसमें क्या गलती है, द चाइल्ड हैज बीन इल फ्रॉम थ्री मंथ्स, तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, फ्राम हटा के फार कर दो, क्लियर, क्योंकि तीन महीने से हैज बीन के साथ कभी फ्राम नहीं लगता, फार या सिंस लगता है, ठीक ना। दूसरा गलती, ही कम्स फ्राम ए नोबल फैमिली, तो कम्स फ्राम नहीं होता, कम्स ऑफ होता है, वह एक श्रेष्ठ परिवार से आता है, तो कम के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ होता है, कम ऑफ मतलब बिलोंग टू होता है, से संबंध रखना या आना, बिलोंग्स टू का सिनोनिम्स होता है कम्स ऑफ, क्लियर, या तो बिलोंग्स टू सही रहता है या तो कम्स ऑफ सही रहता है, क्लियर, कम ऑफ यस इज फन कम्स ऑफ, ये फ्रेज ही है उसको आप याद कर लो, कम्स ऑफ इज इक्वल टू बिलोंग टू, क्लियर, से संबंध रखना या आना, ठीक। अब देखिए वह या इसका का होना भी होता है, वह श्रेष्ठ परिवार का है, क्लियर। ही डू नॉट ट्रांसलेट द इजी वर्ड फॉर फ्रॉम वर्ड, ठीक है द सर यस से,
ऐसे को वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फ्रॉम वर्ड, शब्द से शब्द ना ट्रांसलेट करो, तो ये गलत है। वर्ड बाय वर्ड होता है, वर्ड बाय वर्ड, शब्द सा निबंध का शब्द सा ट्रांसलेट ना करो, फ्रॉम नहीं लगता इसके साथ, वर्ड फ्रॉम वर्ड नहीं, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, शब्द का शब्द के द्वारा, यानी कि शब्द सा। अगला है दिस कार इज पार्क्ड ऑन द गेट, तो ऑन नहीं रहेगा एट रहेगा। यह पार्क मतलब कार जो है पार्क में खड़ी है, गेट पर खड़ी है, ठीक है, तो अब यहाँ एट ठीक है लगेगा, ऑन नहीं लगेगा क्योंकि गेट के ऊपर नहीं खड़ी है। एट मतलब उसके पास एकदम पॉइंट ऑफ प्लेस बताया जाता है, निश्चित स्थान, ठीक, तो एट लगता है। ही रिजेंबल्स विथ माई ब्रदर, तो सीधे सीधे इसमें विथ हटा दो क्योंकि रिजेंबल के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, रिजेंबल्स माने से मिलता जुलता, विथ नहीं लगे, काट दो। नेवर आई हैव सीन, तो इसमें करना कुछ नहीं है, ठीक है, तो आप इसको कह दो आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर का प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले हो जाएगा, आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है सच अ मूवी, मैं ऐसे मूवी कभी नहीं देखा है, क्लियर। एक ये तरीका है, या तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर वो ऐसे आप ना करो तो ऐसे भी सही कर सकते हैं, नेवर आई हटा के हैव के बात कर दो, नेवर हैव आई सीन सच अ मूवी, लाफ इन्वर्जन का पालन करना पड़ेगा तब, जैसे नो सूनर डिड वाला या हार्डली हैड वाला, क्लियर। तो नेवर का प्रयोग या तो मुख्य क्रिया से पहले होगा, या तो शुरू करो तो हाँ सहायक सहायक क्रिया को बात सब्जेक्ट करो, तब तब भी सही है, ठीक। तो नेवर हैव आई सीन सच अ मूवी, ये इस तरह से हो गया, ठीक। तो उसके बाद आपका है जो है एडियम्स एंड फ्रेज। हाँ देखिए, मुहारम पहला है आइट होम इन, आइट होम इन माने होता है दच्छ होना, दच्छ होना, याद कैसे होगा ट्रिक भी इसी समय देख लो। आइट होम एक दिन और बताया था, होम माने घर, इन माने में घर, आइट माने पर, घर पर आप स्कूल से पढ़ने के बाद स्कूल में पढ़ते हो, इन माने में स्कूल में, फिर आइट होम, फिर घर पर पढ़ते हो, तभी आप उस विषय में क्या होते हैं, दच्छ होते हैं। आइट लार्ज माने होता है स्वतंत्र, ठीक है, एट लार्ज, लार्ज माने होता है बड़ा, जो बड़े लोग होते हैं वो जेल से बहुत जल्दी एट लार्ज हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, सांसद विधायक जो बड़े लोग हैं, अब बेचारे गरीब लोग बेचारे परेशान रहते हैं, क्लियर, उनकी जमानत नहीं जल्दी होती है, तो एट लार्ज माने स्वतंत्र, जान लो लार्ज लोग एट लार्ज हो जाते हैं जेल से स्वतंत्र, क्लियर, ऐसे समझ लो। ऑल एंड सेंट्री माने होता है प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के, तो प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के, ट्रिक भी जान लो, प्रत्येक ऑल माने सभी लोग, सेंट्री माने होता अनेक, तो अनेक प्रकार के लोगों में सभी लोग, कहने का मतलब प्रत्येक लोग को बिना किसी भेदभाव के, जैसे मान लीजिए आप यहाँ कोई फंक्शन हुआ, बारात हुआ, या आपका बर्थडे हुआ, कुछ भी कोई प्रोग्राम रखे, उसमें सभी लोगों को इनवाइट कर दिए, गांव के जितने लोग हैं प्रत्येक को बिना किसी भेदभाव के, ये नहीं सोचे कि किसी के हाथ झगड़ा हुआ क्या हुआ, आल सभी को, सन्ड्री माने अनेक, सभी जो अनेक प्रकार के लोग हैं सबको आप इन्वाइट कर दिए, तो यानी कि प्रत्येक बिना भेदभाव, प्रत्येक को बिना किसी भेदभाव के आपने क्या किया, क्लियर, ठीक है, आई इन्वाइटेड ऑल, ठीक है, ऑल एंड सन्ड्री इन माई बर्थडे, क्लियर, ऐसे करो, कोई भी सेंटेंस बना दो, या इन माई मैरिज पार्टी। अब देखिए ब्रिंग टू बुक माने क्या होता है, सजा देना, इस बताए थे पीछे भी, किताब तक लाना, तो मतलब कोर्ट में क्या होता है, किताब पे हाथ रख के कहा जाता है जो बोलोगे सत्य बोलोगे, तो किताब तक किसी को लाया जाता है तो किसी को सजा सुनाया जाता है। बाय लीफ्स एंड बाउंड्स माने होता है दिन दूना रात चौगना, तो लीफ माने क्या होता है उछलना, बाउंड माने भी होता है उछलना, लीफ माने कूदना, बाउंड माने उछलना, तो मतलब उछाल मार रही है, तो मतलब वो किसी का मतलब पास पैसा है, वो पैसा बहुत तेज उछाल रहा है, आज 10,000 है, फिर 11,000, 20,000, 1,00,000 करोड़, तो इस तरह से वो बहुत तेजी से यानी कि बढ़ रहा है, तो उछल कहते सेंसेक इतना उछल कर इतना पहुंच गया, कहने का मतलब जनसंख्या इतना थी उछल कर इतना पहुंच गया, यानी कि भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, उछल कूद मचा रही है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो बाय लीफ्स एंड बाउंड्स माने होता है वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ना, या दिन दूना रात चौगुना बढ़ना, क्लियर, तो दिन दूना रात चौगुना या बहुत तेजी से कूद के और उछल के, अगर आदमी आगे बढ़ेगा वैसे ट्रिक जान लो, तो कूद के कूद भी रहा और उछल कर भी जा रहा है, तो यानी बहुत तेजी से हो जा रहा है, ठीक। अब देखिए आगे एंटानिम्स में ओमिशन है, ओमिशन माने होता है ठीक है गायब कर देना, ओमिशन माने लोप या गायब, तो इसका हो जाएगा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन माने अव्यक्त, आप कोई भी चीज़ मतलब कि छोड़ नहीं रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, ओमिशन नहीं कर रहे हो, ओमिशन माने लोप करना, गायब करना, लोप या गायब, तो एक्सप्रेशन कर दो, एक्सप्रेशन माने अव्यक्त, EXPRE SSION। नॉलेज माने ज्ञान होता है, तो आप इसको कर दो इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस माने अज्ञानता, ठीक ना, अज्ञानता। कॉन्फेस माने स्वीकार करना, इसको डिनाई कर दो, रिफ्यूज कर दो, पीछे भी आया था इनकार करना। सिनोनिम्स देखो एडवर्सिटी माने, एडवर्सिटी माने परेशानी होता है ना,
विपत्ति डिफिकल्टी का दो या कैलेमिटी का दो, CALAMITY। डिफिकल्टी, कैलेमिटी, सफरिंग, क्लियर, ये सभी इसके नाम से। सैक्रेड का होली हो जाएगा, कॉन्सोलेशन का हो जाएगा सोलेस। कॉन्सोलेशन माने सांत्वना और सोलेस माने भी क्या होता है, सांत्वना। यस ओ लिख के LACE। अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला शब्द है वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फैटलिस्ट, FATALIST। और दूसरा है पर्सन हु टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, जो स्वयं के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता है उसको कहते हैं इगोइस्ट, EGOIST, अहंकारी। तीसरा है फिट टू बी चूजन, जो चुने जाने के लिए योग्य हो उसको कहते हैं इलिजिबल, ELIGIBLE। जैसे फार्म निकलता ना तो कहते हैं इसके लिए इलिजिबल हो, इलिजिबिलिटी इस बना है योग्यता, पद पर चुने जाने के योग्य। और अगला आपका होमोफोन्स में पहला है APPOSITE, इसका मतलब होता है उचित, प्रॉपर। और दूसरा अपोजिट माने होता है बिलो। तो आज की वीडियो में इतना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।